डोगरा के कह रहे ना, बीजेपी बल्ले बोले में डोगरा सीएम, 10 साल से डोगरा सीएम है, जो गवर्नर है वो डोगरा ही है, बीजेपी का ही वही राह चला। अब ये हारे हुए हैं और ये दूसरा गेम खेले हैं। देखिए बेरोजगारी कितनी है, बच्चे पढ़े लिखे हैं, पीआईडी की है, पीएन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो भी नौकरी नहीं मिल रही है। ये कौन सी डेवलपमेंट कर, हम तो चाहते हैं, जैसे हम यही चाहेंगे कि हमारा चुना हुआ कोई आए, इसलिए हम वोट डालने हैं, डेवलपमेंट के लिए वोट डालने हैं। वाटर मीटर, स्मार्ट मीटर, ये सारा किसी तरह देना लाया, अभी लाएंगे, ये प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब किसी ने बाहर के लोग लगाए हुए, सारा कुछ वही कर रहे हैं। इसलिए हम सभी कहते हैं अभी ये चेंज होनी चाहिए, हम चेंज के लिए वोट कर रहे हैं। बीजेपी डोगरा सीएम कैसे ले आएगी, जब एक कैंडिडेट 33 उतार रहे हैं तब डोगरा सीएम कहां से ले आएंगे? और डोगरा सीएम आना कोई गलत बात नहीं है, ये इनके पास सिर्फ एक ही प्रोपोगंडा, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, बाकी इनके पास कोई प्रोपोगंडा नहीं है। डेवलपमेंट के नाम पे ये जीरो है, इसलिए ये ऐसे शगुफ्ते छोड़ रहे हैं। दूसरे दिन मैं ये नहीं पूछूंगा आपने वोट किसको डाला, वोट डालना कितना जरूरी है, वोट डालना बहुत जरूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें राइट दिया था अपना जो है रिप्रेजेंटेटिव चुनने का, उन्होंने जो है राजा महाराजों के राज से जो है वो डेमोक्रेसी लाई, और वो डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए वोट डालना सबसे जरूरी बात है, वोट डालना। युवा में कितने एक्सपेरिमेंट देखे आज? बहुत ज्यादा, आज जो युवा तीजी भर के वोट डाला युवाओं ने, और माताएं बहने तो आप देखिए कितने कितने बुजुर्ग जो है वो यहाँ वोट डालने आ रहे हैं, तो दैट मीन्स लोगों के बीच में एक्साइटमेंट की 10 साल के बाद जो वोट होने जा रहे हैं, और जहाँ हर स्टेट में 5 साल के बाद वोट होते हैं, हमारे यहाँ 10 साल के बाद, वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद वोट होने जा रहे हैं, ये करवाने वाले नहीं थे। ये हारे हुए तभी तो डिले कर रहे थे, ये भी तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इनके ऊपर डंडा चलाया तभी ये इलेक्शन हो रही है, अदरवाइज ये अभी भी इलेक्शन नहीं होती, ये इनडायरेक्ट गवर्नमेंट एलजी के थ्रू चलाना चाह रहे थे। क्या बदलाव चाहते हैं? हाँ बदलाव हो रहा है, आप देखिए लोगों में एक्साइटमेंट, अभी तक इतनी बम्पर वोटिंग हुई है, लोग एक्साइटेड हैं कि हम वोट डाल के इनको यहाँ से लखनपुर पार कर दे। संतोष आंटी कितना जरूरी है सारे लिए वोट पाना? वोट पाना तो बड़ा जरूरी है, कुछ बच्चे जेड़े सारे आ रहे कि छठो पर एक कर नहीं नहीं ये नहीं है, ये तो अपना हक है, ये नहीं छड़ना चाहिए, आगे अपनी मर्जी है, तुम जिसी भी देना चाहते हो, आजकल यूथ बड़ा समझदार है, वो अपनी मर्जी के वोट पा सकता, ये तो कोई जरूरी नहीं है किसी को देना। देखिए 10 साल बाद जेड़ा ये वोट होवा देना ते हुन सरकार चेंज होनी चाहिए कि नहीं? देखो जी सरकार से चेंज होनी चाहिए, क्योंकि पहली सरकार ने जो किया वो दिखा गया सारे सामने गया, पर चलो अगर इयो बनती है तो दुनिया के हक वास्ते अच्छा करे तो फिर तो ठीक है। देखो जी उन्हें हर वर्ग दिखना चाहिए, मतलब हाई भी दिखा है, लो भी दिखा है, ये बड़ी जरूरी चीज है कि ज्यादा देखो जेडे हाई ना वो हाई पर चले जा रहे हैं, लेकिन जरा मीडियम वर्ग है वो बड़ा खराब हुई है, इस वास्ते कि सीएम वो बनना चाहिए, वो चीज आना चाहिए जरा कि हर वर्ग ही दिखे चले।
आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा पर्व जो मतदान है वो आज जम्मू कश्मीर में हो रहा है। आज लास्ट फेज के चुनाव हैं, लास्ट 24 सीट्स पे चुनाव हो रहे हैं, तो ऑलमोस्ट आधा टाइम हो गया है वोटिंग के लिए। तो वोटिंग परसेंटेज थोड़ी स्लो है वोटिंग अभी, लेकिन लोग मोबिलाइज हो रहे हैं। कुछ लोग अपने लंच के 2 बजे के बाद, अभी सभी से बात हो रही थी, लोग कहते हैं हम 2 बजे के बाद निकलेंगे, मोबिलाइज करेंगे। एक अच्छा माहौल है, अच्छा वातावरण है। तो और एक ये ऐतिहासिक चुनाव है, ऐतिहासिक इसलिए है कि पहली बारी जम्मू का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी अपनी गवर्नमेंट बना रही है, क्योंकि 70 साल उन्होंने हमें बेवकूफ बनाया, ना जम्मू का कोई नाम दिया तो ना कुछ उसको वो हुआ। उन्होंने सिर्फ श्रीनगर सेंट्रिक गवर्नमेंट रही यहाँ पे। पहली बारी ऐसा होगा कि जम्मू के बारे में बात की जाएगी, जम्मू के लोगों की बात की जाएगी, डोगरों की बात की जाएगी, डोगरों के स्वाभिमान की बात की जाएगी। पिछले जब से 2014 से मोदी जी आए हैं, तब से काफ़ी डेवलपमेंट हुई है जम्मू कश्मीर में। जब सेंटर में अपना सरकार होगी भारतीय जनता पार्टी की, और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, तो डोगरों की भी डेवलपमेंट होगी, जम्मू की भी डेवलपमेंट होगी। जम्मू में हर तरह का विकास होगा। विकास तो पहले भी हो रहा है, उसके लिए और भी विकास होगा। हमारे अभी आपने हमारा संकल्प पत्र देखा होगा जो भारतीय जनता पार्टी का, उसमें चौमुखी विकास की बात की गई है। क्या बच्चों की हो, क्या महिलाओं की हो, क्या बिजली को लेके, क्या उनको डेली वेजर्स को लेके, क्या ओल्ड एज पेंशन को लेके, सर और क्या टूरिज्म को लेके, हर डेवलपमेंट के बारे में हर तरह की बात की हुई है। और आपने उनका मैनिफेस्टो देखा होगा, उसमें आर्टिकल 370-35A की बात की गई है, पाकिस्तान के साथ डायलॉग की बात की गई है, उनके साथ ट्रेड की बात की गई है। ऐसे ही उनका जो एजेंडा है वो मेरे को लगता है कि रावलपिंडी से बैठ के बनता है। और हमारा जो संकल्प पत्र होता है, हम संकल्प जो लेते हैं वो करते हैं। आपको मालूम होगा कि 1952 में जैसे भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया था, हम राम मंदिर और अपना आर्टिकल 370 और 35 पे करेंगे। और जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और जब पावर में आई, उन्होंने राम मंदिर भी बनाया और आर्टिकल 370 और 35। जम्मू के लोगों को पूरा विश्वास है और इतना उत्साह है कि लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आ रही है। लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों में अगर कोई फील्ड में दिखे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही दिखे हैं। बाकी लोग तो सिर्फ इलेक्शन के टाइम में नजर आते हैं, अगर एपिडेमिक का टाइम हो या कुछ भी हो, अगर कोई लोग पब्लिक में और पब्लिक कनेक्टिविटी में रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। सर वही परिवार में छोटी मोटी नाराजगी चलती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। जो परिवार में, जब एक परिवार में घर में 2 भाई हों तो वो भी आपस में लड़ते हैं। वो कहते हैं ना, डोगरे से भांडे भी आपस से खड़क दें। तो ये भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो इतना बड़ा परिवार है, परिवार में कोई छोटा मोटा होता भी है आपस में वो बैठ के, तो ऐसा नहीं है कि नाराजगी भी जायज होती है, लेकिन अल्टीमेटली परिवार को छोड़ के जाता कोई नहीं है, वापस परिवार में ही आते हैं। देखो, जो मैंने आपको बोला कि पहली बारी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री आएगा, डोगरा मुख्यमंत्री आएगा, तो डोगरा स्वाभिमान की और जम्मू के स्वाभिमान की बात ही की जाएगी, क्योंकि उन्होंने जब 70 साल से अगर सोचा तो श्रीनगर के बारे में ही सोचा। और 3 ही फैमिलीज रही जिन्होंने पारिवारिक तौर से गवर्नमेंट चलाई, NCP DP और अपना कांग्रेस ने। तो इस जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, कोई सरदार भी हो सकता है, कोई हिंदू भी हो सकता है, कोई कश्मीरी पंडित भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कोई सिलेक्टिव किसी परिवार से नहीं होता, कोई कार्यकर्ता किसी कार्यकर्ता के रूप में कोई भी हो सकता है। तो इसीलिए डोगरा स्वाभिमान की, तो डोगरा जय डुगर जय जम्मू, वो तो प्रायोरिटी है ही है भारतीय जनता पार्टी की। अगर डोगरा स्वाभिमान की बात करनी हो तो जो अपना महाराजा हरि सिंह की छुट्टी थी, इतना अगर दी तो किसने दी? भारतीय जनता पार्टी ने। अगर महाराजा गुलाब सिंह का जो स्टैचू लगाया वहां पे, अगर लगाया तो भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग की चिंता की हुई है, तो पूरे जम्मू का विकास की बात करती है, तो ऐसा ही होगा। देखो, आने वाले 5 साल में जैसे ही आते हैं, आपने संकल्प पत्र देखा जो लोगों की डिमांड थी उसमें दी है, और जम्मू की डेवलपमेंट की बात की हुई है। आपने मेन वो था रोजगार का था, अपने डेली वेजर्स का। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आती है, जितने भी डेली वेजर हैं वो कंफर्म पक्के हो जाएंगे। जैसे पेंशन की बात है, पेंशन का 1000 रुपये का, लेकिन पेंशन आपने, लोगों को ये मालूम नहीं है कि पेंशन बंद क्यों हुई थी। उसका कारण था
जो लोग पेंशन जो लोग पेंशन ले रहे थे उसमें ऐसे 90% ऐसे लोग थे जिनको पेंशन की जरूरत नहीं थी, बस उनों की पेंशन उन्होंने दी हुई थी बेनिफिट देने के लिए। 20-20 लाख की गाड़ी में आते थे और पेंशन लेके चले जाते थे, और जो नीडी लोग होते थे उनको पेंशन मिलती नहीं थी। उसका सारा रिव्यू हो गया हुआ है। तो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी 8 अक्टूबर के बाद आती है तो 1000 वालों को 3000, जैसे दूसरी स्कीम है 18,000 रुपया, महिलाओं को वृद्ध महिलाओं को घर बैठे एक साल का 18,000 रुपया, बच्चों को लैपटॉप, अपना प्रेमना डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख युवाओं को नौकरी, आईटी हब, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो 5 साल में, और सेकेंडली जो जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाया है, मैं हम अगले आने वाले 5 साल को जम्मू को क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया बनाएंगे। जैसे आप, मैं पीछे जी महाकाल गया हुआ था, इंदौर की सिटी, इंदौर को मैंने देखा, वो डेमोग्राफिकली भी और उसकी रोड्स वगैरह भी, उसका जो है सारा ऑलमोस्ट जम्मू की तरह ही है। तो हम कोशिश करेंगे कि जम्मू को भी वैसे ही डेवलप करें। मंदिरों का शहर तो जम्मू है ही है, जम्मू कश्मीर, तो मंदिरों के शहर से इसको क्लीनेस्ट सिटी भी बनाएं, तो लोगों की अट्रैक्शन भी रहे वहाँ पे, माता वैष्णो देवी के वहाँ पे साल में ऑलमोस्ट 1 करोड़ लोग आते हैं, तो लोगों को लगे कि जम्मू भी जो उसकी रैंकिंग है दुनिया में और जम्मू कश्मीर इंडिया के अंदर क्लीनेस्ट सिटी, उसको भी हम लेके जाएं। और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं जो अभी पाइपलाइन में है, आप सोशल मीडिया में भी उनको हाइलाइट कर सकते हो। रिवर फ्रंट है, गंडोला है, आपका जू बना है, आपका IIT, IIM, एम्स, जितना भी काफ़ी आप गवर्नमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज चेनाब रिवर पे जो बना है, ऐसे आपको भी सोशल मीडिया पे इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। सर मेरा एक सवाल है। नहीं देखो, जो वुमेन एम्पावरमेंट की है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली बेटी है, अपना 30% रिजर्वेशन है, फिर अब वुमेन्स को प्रॉपर्टी राइट्स, जो